दोस्तों, इस्लामिक कुत्तों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी में भारत के अभिन्न अंग कश्मीर का जिक्र करने को लेकर भारत भड़क गया है, जिसको लेकर भारत ने सख्त लहजे में ओआईसी को नसीहत दी है कि वो पाकिस्तान द्वारा फेंकी हुई हड्डी को मुंह में डालकर भारत के खिलाफ भौंकना बंद करे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से सामाजिक लहजे में मगर सख्त बयान जारी करके कहा गया है कि भारत विरोधी गतिविधियों का एजेंडा चलाने वाले देश पाकिस्तान को ओआईसी द्वारा अपने मंच के बेवजह इस्तेमाल की इजाज़त देना खेदजनक है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह धार्मिक आधार पर असहिष्णुता दिखाने के साथ साथ माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न किया जाता है। बता दें, नाइजर की राजधानी नियामे में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की 47वीं बैठक के बाद एक प्रस्ताव आया जिसमें कश्मीर का जिक्र किया गया, और यकीनन इस प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के कुछ चमचों की सिफारिशों पर ही किया गया होगा। ऐसे में ये साल 2020 में पहला मौका है जब भारत ने ओआईसी में पाकिस्तान की विनाशकारी भूमिका पर सीधा निशाना साधा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए आभासी और झूठी जानकारियों के आधार पर लाए गए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही भारत ने ओआईसी को चेतावनी देते हुए कहा कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए भविष्य में ओआईसी को ऐसे किसी भी संदर्भ को बनाने या उसके जिक्र और चर्चा से परहेज करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हर साल की तरह इस बार भी ओआईसी के प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र हुआ, लेकिन नाइजर में इस बार कश्मीर के मुद्दे को पहले की तरह तूल नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान जरूर लंबे समय से कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक की मांग कर रहा है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से पागल हो गया पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ भौंक भौंक कर इस्लामिक दुनिया का साथ चाह रहा है, लेकिन अभी तक उसे किसी भी देश ने कश्मीर के नाम की हड्डी चूसने को नहीं दी है, और इस साल भी उसे भारत विरोधी एजेंडा चलाने में नाकामी मिली।